हेलो गाइस, इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट क्लास को छोड़ा था। बेसिकली लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था वेबसाइट्स में सी पैनल में से एक डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट कैसे करते हैं। इसके अलावा लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा था कि कनेक्शन होने के बाद सी पैनल से वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करेंगे और उसमें से एक थीम और रिक्वायर्ड प्लगइन्स को कैसे डालेंगे, साथ ही साथ उसमें डेमो को कैसे इंपोर्ट करेंगे। इसके बाद टास्क आपका था कि आपको पेज बना के आना है, ठीक है। इसके आगे मैं आगे कंसेप्ट पे आऊँगा जो कि हर एक वेबसाइट्स में लागू होते हैं। ये बेसिकली CSS के कंसेप्ट है। CSS होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि आप कभी भी बेसिक कोड की वेबसाइट होती है HTML, CSS और जावा बेस्ड। तो HTML होता है स्केलेटन, CSS होता है एक आप कहोगे जो कि ब्यूटीफुल करता है, मिनीफाई, मतलब जो एनिमेशंस होते हैं कोई भी वेबसाइट के, कलरफुल एलिमेंट्स होते हैं, वो CSS की मदद से होते हैं। JS होता है जो भी आप वेबसाइट का ब्रेन होता है, एक तरह से कह लो JS होता है। इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि जो कंसेप्ट है, चाहे वो कोई भी वेबसाइट हो, चाहे वर्डप्रेस पे वेबसाइट हो, कोई CMS बेस्ड, कोई दूसरे CMS पे वेबसाइट हो, या कोई कोड बेस्ड वेबसाइट हो, कंसेप्ट सेम है, थोड़ा बहुत नाम अलग होगा। इसके आगे सबसे पहले हम अपने डोमेन को ओपन करते हैं। डोमेन को कैसे ओपन करेंगे, मैंने आपको लास्ट क्लास में कई बार बताया था, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। जैसे हमारे पहले सबसे पहले हम लिखेंगे डोमेन का नाम या डायरेक्टरी या सब डोमेन जिस पे भी हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया होगा। जैसे ये हमारा डोमेन का नाम है /wp-admin। फिर देख लो, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, डोमेन नेम /wp-admin, एंटर लगा देंगे। इसके बाद एंटर लगने के बाद हम वापस जाएंगे, यहाँ पे जो भी हमने डिटेल्स जब हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था वो डालेंगे। एडमिन जो कि हमारा पासवर्ड है, admin@123, ये हमने यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट किया था अपने डोमेन के लिए। इस वीडियो में हम आगे ये भी डिस्कस करेंगे कैसे अपने डोमेन को क्लाउडफ्लेयर से कनेक्ट करेंगे और कैसे SSL सर्टिफिकेट लगाएंगे, वो आगे की प्रोसेस है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। बेसिकली लास्ट क्लास में हमने ये देखा था डेमो इंपोर्ट कैसे करेंगे, जो कि हमारा बाय डिफॉल्ट होम पेज बन जाएगा। जैसे यहाँ पे एक डेमो इंपोर्ट है जो कि हमारा होम पेज है। अब इसमें हम कई कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे जो आपने ऑप्शन देखे होंगे, ठीक है। साथ के साथ हम यहाँ पे वाइट बोर्ड भी खोल लेते हैं। यहाँ पे हम व्हाइट बोर्ड में, क्योंकि बेसिकली ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट का क्लियर होना जरूरी है, जो टास्क दिए थे फिनिश होने चाहिए तभी जाके ये चीज़ आगे समझ आएगी आप लोगों को, ठीक है। व्हाइट बोर्ड खोलते हैं, इसके आगे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं पेज के बैकहेंड पे जाऊँगा। बैकहेंड पे मतलब जो कि एक जो वेबसाइट बना रहा होगा वो एक्सेस करेगा, जो वेबसाइट में चेंजेस होंगे वो बैकहेंड के थ्रू होते हैं। कहाँ से जाएंगे, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, अगर आप डब्ल्यूपी एडमिन में जब आप आ जाएंगे, उसके बाद आपको साइट से या तो पेजेस पे चले जाओ, पेजेस पे चले गए। पेजेस पे जाने के बाद आपका जो भी पेज होगा, जैसे मुझे फ्रंट पेज है वो देखना है, यहाँ पे एडिट करोगे, एडिट करके आपका पेज खुल जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका ये भी होता है, आपने अगर उसका फ्रंट एंड खोला होगा, फ्रंट एंड के ऊपर अगर आपने WP एडमिन लॉगिन होगा, फिर से सुन लो, WP एडमिन अगर आपका लॉगिन होगा और फ्रंट एंड आप कोई भी पेज का देख रहे होंगे, आप ऊपर आपको एडिट पेज का ऑप्शन मिल जाएगा। एडिट पेज पे जाओगे, अब आपके सामने यहाँ लोड हो रहा होगा पेज। यहाँ पे अब आपके सामने बैकहेंड आ गया कोई भी वेबसाइट का, कोई भी वेब पेज का अगर मैं कहूँगा तो। अब वेब पेज में बैकहेंड के आने के बाद इसमें है WP पेज बेकरी बिल्डर। एक पेज बिल्डर क्या होता है, थीम क्या होता है, प्लगइन क्या होते हैं, ऑलरेडी पहले क्लास में डिस्कस है, किसी के डाउट होंगे तो आप पूछ लीजिएगा। यहाँ पे हम पेज के बैकहेंड पे आ गए। अब बैकहेंड पे आने के बाद ये सारे हमारे बिल्डर के ऑप्शंस हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको हर एक ऑप्शन देखने हैं, जैसे कि और उसके ये फ्रंट बैकहेंड को देख के एक दूसरा पेज बनाना है सिमिलर होना, ताकि आपको हर एक ऑप्शन का पता चले। आज मैं आपको इसी से आगे करूंगा। जैसे आपने देखे होंगे रो के अंदर इतने सारे ऑप्शन है, डिजाइन ऑप्शन, रिस्पॉन्सिव है, ये है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे मार्जिन है, पैडिंग है, बॉर्डर है, ये क्या होता है, इनके बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा। इसके अलावा कॉलम के अंदर जाओगे, कॉलम के अंदर भी आपको उतने ही ऑप्शन मिलेंगे, मतलब हर एक लेवल पे आपका कस्टमाइजेशन है। इसके अलावा आप कोई भी आइकन है, जैसे आइकन बॉक्स है, कोई आइकन आपको लगाना हो, जैसे ये आइकन लगे हुए आइकन बॉक्स की वजह से लगे हुए, जो कि पेज बिल्डर प्रोवाइड कर रहा है। आइकन का अलाइनमेंट लेफ्ट होना चाहिए, ये लेफ्ट अलाइंड है, ये देखो आगे आइकन पे लिंक, ये सब क्या मैं आपके इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आप जो मेजर प्रॉब्लम आपको हो रही होगी वो है मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर में, उनके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर हर एक लेवल पे होता है, रो लेवल पे होता है, कॉलम लेवल पे होता है और आपके एलिमेंट लेवल पर भी होता है,
ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले डिस्कस करता हूँ मार्जिन को। मार्जिन क्या है सबसे पहले ये समझे, मार्जिन माने आउटर स्पेस। आउटर स्पेस एकदम जो भी आउटर बाउंड्री है वहां से मार्जिन डिफाइन होगा। जैसे मैं आपको दे के दिखा देता हूँ, और एक बात याद रखना, बॉर्डर एक अलग कंसेप्ट है। बॉर्डर क्या होता है, नॉर्मल जो आप समझ रहे हो, मार्जिन और पैडिंग में आप कभी भी डिफरेंस नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आपने बैकग्राउंड में कलर ना दिया हो। एग्जाम्पल दे देता हूँ, मैं यहाँ पे नोटपैड पे ये चीज लिख भी देता हूँ, मार्जिन एंड पैडिंग में डिफरेंशिएशन के लिए बैकग्राउंड में कलर होना ही चाहिए। इफ नॉट यू विल यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन देम। अब ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूं, जैसे मैं अभी फ्रंट एंड में चेंजेस करूंगा, प्रीव्यू मोड में देखूंगा तब आपके सामने समझ आएगा। जैसे आप यहाँ पे डिफरेंस देख लो कितना है, मैं सबसे पहले मार्जिन देके दिखाऊंगा, ठीक है। डिफरेंस है यहाँ पे इतना देख रहे हो आप। अब मैं इस डिफरेंस को बड़ा करूंगा, क्या मैं इस वक्त जा रहा हूँ रो के सेटिंग्स में, रो के सेटिंग्स में मैं मार्जिन दूंगा जो कि आउटर साइड, अभी ये दे रखा है, इसको छोड़ो आप, ये 190 पिक्सल आप देख रहे होंगे, ये 190 पिक्सल है। मैं यहाँ पे दूंगा मार्जिन को 100 पिक्सल्स का, मैं मार्जिन देने जा रहा हूँ। कुछ नहीं किया, रो पे, रो की सेटिंग पे, यहाँ इस लेवल पे जाके मैंने यहाँ पर डिजाइन ऑप्शंस में मार्जिन को दे दिया। अब मैं यहाँ पे प्रीव्यू करके देखता हूँ क्या चेंजेस होते हैं। अब आप देखोगे एरिया बड़ा हो गया, थोड़ा सा एरिया बड़ा हो गया, ध्यान से देख रहे होंगे आप, एरिया बड़ा हो गया। फिर से मैं एक चीज करता हूँ, मे बी अभी आपको क्लियर नहीं होगी, मैं बाद में ये चीज क्लियर करूंगा, आप ये चीज ध्यान से देखो, ये एरिया बड़ा हो गया, ठीक है। आप देख रहे होंगे ये क्या हो गया, आपके यहाँ लग रहा होगा 190 पिक्सल प्लस 100 पिक्सल हो चुका है, आपको ऐसा लग रहा होगा। मार्जिन और पैडिंग अभी तक आपको ये लग रहा होगा सेम ही है, लेकिन मैंने एक चीज कही थी, मार्जिन और पैडिंग को डिफरेंशिएशन के लिए बैकग्राउंड में कलर होना जरूरी है। क्यों होना जरूरी है मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। 100 पिक्सल अभी ये देख लो, ये डिफरेंस मैंने इसलिए, ओरिजिनल पेज है इधर, ये डिफरेंस और ये डिफरेंस बड़ा हुआ डिफरेंस है जो कि 100 पिक्सल का आपको लग रहा होगा, ठीक है। इसके आगे यहाँ पे जो 190 पिक्सल है ना, मैं पैडिंग को ही एक बार 300 पिक्सल कर देता हूँ। मैं आपको बेसिकली डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूँ क्या डिफरेंस है। मैंने पैडिंग को 300 पिक्सल कर दिया, अब यहाँ पे देखो और लगभग 300 पिक्सल, एक जहां पे 190 था वहां पे 300 हो गया, लगभग आपको सेम ही लग रहा होगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा मार्जिन और पैडिंग सेम ही है। मार्जिन का पहले मैंने डाला था मार्जिन 100 पिक्सल और पैडिंग 190 पिक्सल, टोटल हो गए 290 पिक्सल के करीब, ठीक है। अभी आपको ये लग रहा होगा, अभी मैंने क्या किया, मार्जिन को ही एक बार मैं नोट पैड पे ये चीज लिख देता हूं। मैंने पहले किया था, फर्स्ट टाइम मैंने किया था मार्जिन, मार्जिन इक्वल 100 पिक्सल प्लस पैडिंग को मैंने किया था 190 पिक्सल, ठीक है, मैंने इसको किया था पहले कंडीशन में। दूसरी कंडीशन मेरी थी मार्जिन को मैंने दिया था 0 पिक्सल, मतलब मार्जिन को मैंने कुछ छेड़ा ही नहीं था, 0 लगा लो, 0 वैसे नहीं लिखना है, मार्जिन मैंने छेड़खानी की ही नहीं है। मैं सीधा पैडिंग पे जाता हूं, पैडिंग मैंने दे दी है कितनी, 300 पिक्सल। ये कंडीशन को ध्यान से देख लो, मार्जिन कुछ भी नहीं दिया था मैंने, पैडिंग को दे दिया था 300 पिक्सल। कंडीशन आपको सेम ही सा डिफरेंस दिख रहा होगा, लेकिन अब मैं आपके साथ एक, अब मैं आपको एक चीज दिखाने जा रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, इसको नॉर्मली जैसा पहले था 190 पिक्सल ही दे रहा हूं, 190 पिक्सल बस। कलाकारी इस वक्त ये कर रहा हूं, बैकग्राउंड में कलर दे रहा हूं, कोई भी कलर दे रहा हूं मैं इस वक्त, मैंने कुछ नहीं किया, कोई भी जो पहले ओरिजिनल पेज था वैसे ही रख दिया, बैकग्राउंड में कलर दे दिया। अब यहां पे प्रीव्यू करता हूं मैं, आप प्रीव्यू के, अब आप यहां से डिफरेंस, अब आपको दिख रहा होगा कितना है, ये जितना आपको दिख रहा है
यहां से लेके यहां, मतलब ये डिफरेंस 190 पिक्सल क्लियरली आपको दिख रहा है, ठीक है, जो कि मैंने पैडिंग के थ्रू दिया है। अब मैं दे रहा हूं यहां पे मार्जिन 100 पिक्सल, रो की सेटिंग्स में जाके दे रहा हूं मार्जिन 100 पिक्सल। अब यहां पे मैं इसे कर रहा हूं प्रीव्यू। आप देखो क्या डिफरेंस है, डिफरेंस आपके सामने है। मार्जिन क्या करता है, दो रो के बीच में डिफरेंस को बनाता है। पैडिंग क्या करता है, उसी रो के खिसकाता है अंदर की तरफ। मेन डिफरेंस ये, मैं तभी कह रहा था मार्जिन और पैडिंग में अगर डिफरेंस को जानना है बैकग्राउंड में कलर होना ही चाहिए। अगर बैकग्राउंड में कलर नहीं होगा तो आप ये डिफरेंस को नहीं देख सकते, ठीक है, मस्ट है। मैं फिर बता रहा हूं मैंने तीसरी कंडीशन क्या किया है। थर्ड कंडीशन मेरी ये थी, मार्जिन को मैंने कर दिया 100 पिक्सल और पैडिंग जो ओरिजिनली था, जो कि डेमो में था पैडिंग, पैडिंग कितना है 190 पिक्सल। आपको दिख रहा होगा डिफरेंस 190 पिक्सल है इतना, ये जितना आपको ऑलवेज एट सर्विस के ऊपर ऊपर दिख रहा है 190 पिक्सल, 100 पिक्सल है ये। फिर बता रहा हूं मार्जिन क्या करता है, दो रो के बीच में डिफरेंस बनाता है, दो रो के बीच में अलग करता है। पैडिंग क्या करता है, उसी रो के एलिमेंट को या जो भी कंटेंट है उसे अंदर की तरफ खिसकाता है, जैसे आपने देख लिया होगा दो रो है ये, इन दोनों रो को अलग कर रहा है यहां पे मार्जिन, और पैडिंग कर रहा है उसी रो के अंदर कर रहा है, ठीक है, मार्जिन और पैडिंग ये है। एक और चीज अब आता है इसके बाद बॉर्डर, मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे फिर दिखा देता हूं ये क्या है, ताकि ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो, क्योंकि ये कंसेप्ट आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक वेबसाइट में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। जैसे एक रो मेरी ये है, ये रो मेरी एक है और ये मेरी दूसरी रो है, इन दोनों के बीच में अगर मुझे डिफरेंस बनाना होगा तो मैं दूंगा मार्जिन, और मुझे इसी रो के कंटेंट को अंदर की तरफ धकेलना है तो मैं दूंगा पैडिंग। मे भी अब इससे ज्यादा कोई क्लैरिटी नहीं की होगी, अब ये कंसेप्ट आपके क्लियर आ गया होगा, ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, मार्जिन पैडिंग। अब आप यहां पे एक और चीज आपने देखी होगी, कहीं पे भी आपको एक बॉर्डर दिख रहा होगा, जैसे रो के अंदर ही मैं जाता हूं बॉर्डर। बॉर्डर क्या है, बॉर्डर क्या है एक चीज समझो, मैं बॉर्डर को पहले दे रहा हूं, आपको क्लियरली दिख जाएगा, बॉर्डर दे रहा हूं 3 पिक्सल्स, ऊपर भी नीचे भी। ये अगर देखो एक चीज समझो, मैंने यहां पे 100 पिक्सल का मार्जिन आप यहां पे देख रहे होंगे, 100 पिक्सल का मार्जिन तो ये ऊपर की तरफ है। मैं अगर मैं नीचे की तरफ मार्जिन देता हूं, एक बार ये भी देख लो ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बॉर्डर पे अगले में आते हैं। मैं यहां पे नीचे की तरफ दे रहा हूं 100 पिक्सल्स और नीचे की तरफ सेव करता हूं, प्रीव्यू करता हूं। आप देखो क्या डिफरेंस है, इससे ज्यादा कोई नहीं समझा सकता। यहां पे मेजरली आपके कंसेप्ट 100% क्लियर हो चुके होंगे। दो रो के बीच में डिफरेंस जो है मार्जिन की वजह से है, इसी रो के अंदर जो कंटेंट खिसका हुआ है वो है 180 पिक्सल, जो कि थीम दे रही थी, आप यहां पे देख रहे होंगे 180 पिक्सल। ये देखो ये पैडिंग की वजह से है, ठीक है, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा, मार्जिन और पैडिंग। थर्ड कंसेप्ट जो कि मैं आपको बताऊंगा, बॉर्डर। बॉर्डर क्या है, सबसे पहले बॉर्डर को समझने के लिए कम से कम एक या दो पिक्सल का मैं आपको बॉर्डर देके दिखा रहा हूं। 2 पिक्सल का बॉर्डर कंट्रोल, 2 पिक्सल का बॉर्डर चारों साइड से, ठीक है, इसको करता हूं सेव, प्रीव्यू। मैंने इस वक्त रो की सेटिंग्स में से बॉर्डर दिया, अब देखते हैं क्या चेंज होगा। कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अब आपको लगा होगा बॉर्डर का तो कोई असर नहीं है, बॉर्डर को भी देने के लिए बॉर्डर का कलर डिफाइन होना जरूरी है,
ठीक है, बॉर्डर का कलर डिफाइन होना जरूरी है। यहाँ पे मैम मैंने 2 पिक्सल बॉर्डर को डिफाइन तो कर दिया, लेकिन कोई कलर ही नहीं है अभी। तो कलर के लिए मैं सबसे पहले बॉर्डर के कलर पे जाता हूँ और कलर मैं सेलेक्ट करता हूँ, जैसे अलग दिखने के लिए रेड मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब मैंने क्या किया, बॉर्डर 2 पिक्सल चारों साइड से और रेड कलर। अब मैं सेव करता हूँ, प्रीव्यू करता हूँ। अभी भी मे बी कुकीज का प्रॉब्लम है ये, चलो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। मतलब अब आपको चारों साइड लाइन दिखेगी, ठीक है, चारों साइड अब आपको एक बाउंड्री नजर आ जाएगी जो कि बॉर्डर की वजह से है। जैसे मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे एक बार ये चीज फिर से दिखा देता हूँ। जैसे ये मेरी एक रो है, इस रो के ये जो चारों बाउंड्री आप देख रहे हो, जैसे आप ये चारों बाउंड्री जो आप ये रो की देख रहे हो, ये चारों बाउंड्री, इस बाउंड्री को पहले हमें डिफाइन करना पड़ता है कि ये कितने पिक्सल है। पहली बात, पिक्सल डिफाइन कर दो कि ये 1 पिक्सल की विड्थ है, 2 पिक्सल की विड्थ है, 3 पिक्सल की विड्थ है, कितनी विड्थ है। इसके बाद विड्थ के बाद अगर आपने कलर नहीं डिफाइन किया, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। विड्थ के साथ साथ कलर को डिफाइन होना जरूरी है अगर आपको बॉर्डर को यूज करना है। फिर वही बता रहा हूँ, मार्जिन और पैडिंग के डिफरेंस को समझने के लिए कलर होना जरूरी है बैकग्राउंड में। इसके बाद जब आप बॉर्डर का दे रहे हो, बॉर्डर का सेपरेट कलर होता है, बॉर्डर के सेपरेट कलर देना पड़ेगा कि ये बॉर्डर रेड कलर में है, व्हाइट कलर में। आपने डिफाइन तो कर दिया कि ये 1 पिक्सल का है, लेकिन ये नहीं डिफाइन किया कि इसका, आपने ये तो डिफाइन कर दिया कि विड्थ इसकी 1 पिक्सल है, लेकिन कलर नहीं डिफाइन किया, दिखेगा ही नहीं वो चीज़। या आपने कलर डिफाइन कर दिया लेकिन विड्थ नहीं डिफाइन की, बॉर्डर आपको दिखेगा नहीं। ये 3 कंसेप्ट ऐसे हैं जो हर एक वेबसाइट पे अप्लाई होंगे। इसके बाद हम आपको आगे जाते हैं, या मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूं, मे बी उसके बाद आपके ये भी बॉर्डर का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे आपको जैसे बटन पे दिखाता हूं, बटन पे क्या क्या होगा, 1 पिक्सल का आउटर बॉर्डर रेडियस बॉर्डर डिफाइन होगा, इसके साथ बॉर्डर का कलर होगा ब्लू। देख लेते इसके बैकहेंड में जाके, जैसे बटन का एलिमेंट है, एक बार चेक कर लेते कहां पे बटन का, ऊपर ऊपर ही है, ये रहा हमारा बटन। बटन के मैं बैकएंड, क्योंकि ये हर चीज हर जगह अप्लाई होता है, बटन के आउटर रेडियस भी होता है। ये देखिए बटन का होगा, स्टाइलिंग पे जाके होता है मेजरली ये चीज। अब ये चीज देखो, बॉर्डर साइज, यहां पे बॉर्डर साइज डिफाइन कर दिया, बॉर्डर साइज 2 पिक्सल्स, ठीक है, बॉर्डर साइज 2 पिक्सल। कलर्स पे जाओगे, यहां पे बॉर्डर कलर भी होगा, बॉर्डर कलर ब्लू। मैं फिर से एक बटन के एलिमेंट को बना के दिखा देता हूं, यहां पे बटन, एक बटन का एलिमेंट ले रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं व्यू मोर। एक सिंपल हैश क्या होता है, हैश मैं आपको बता देता हूं। कभी भी हमारे पास हैश में क्या होता है, एक लिंक पास होता है। यहाँ पे बटन यूआरएल में हमें एक यूआरएल देना चाहिए, लेकिन जब हमारे पास कोई यूआरएल नहीं हो तो हम हैश पास कर देते हैं, ठीक है। बटन टारगेट, ये भी मैं आपको बता देता हूँ क्या है। आपने देखा होगा, आपने कोई लिंक आपको क्लिक किया, आपने लिंक पे क्लिक किया और अगली टैब में जाके ओपन हो गया, जैसे यहाँ पे क्लिक होता है तो अगली टैब में जाके ओपन हुआ, तो ये क्या था, बटन टारगेट उस केस में यस था। कई जगह ये होगा कि ओपन लिंक इन अ न्यू विंडो, ऐसा भी लिखा होता है कई जगह, कई जगह ऐसा होता है बटन टारगेट की फॉर्म में लिखा होता है, ठीक है। कंसेप्ट सेम ही है, अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइन हो या राइट अलाइन हो, मैं चाहता हूँ इसे जैसे लेफ्ट अलाइन हो। मोबाइल में अलाइनमेंट, मोबाइल का साइज अलग होता है, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट अलग होती है, मतलब आप चाहते हो मोबाइल में ये बटन ना दिखे प्रॉपरली, वो चीज़ भी कर सकते हो, ठीक है। मोबाइल में अलाइनमेंट लेफ्ट हो राइट अलाइन हो, ये सब बता सकते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं आइकन स्टाइलिंग पे, आइकन का साइज दे दो। अगर आपने यहाँ से ड्रॉप डाउन में जाके कोई आइकन सेलेक्ट किया, देखा हो ना कहीं बटन पे आइकन्स होते हैं, वो सब यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। आइकन का साइज कितने बड़ा आइकन हो, जैसे ये आइकन है, जैसे ये कहते हैं 10 पिक्सल्स का साइज हो तो 10 पिक्सल्स में आ गया। आइकन का अलाइनमेंट, अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइन हो या राइट अलाइन हो,
मेजरली मैं जाता हूँ स्टाइलिंग टैब में, और यहाँ पे जो मेरा मेन काम है बॉर्डर, वो मैंने बता दिया 2 पिक्सल, ठीक है। 2 पिक्सल्स के बाद हम बॉर्डर के कलर को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसमें ये है, टेक्स्ट कलर हम रखते हैं वाइट, क्योंकि ब्लैक के ऊपर वाइट ही दिख पाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देंगे हम बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर को दे देते हैं हम रेड, ताकि ये चीज हमें क्लियरली विजिबल हो। अब हम इसे करते हैं प्रीव्यू। मेजरली आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, यहां पे आपने देख भी लिया होगा। ये देखो यहां पे बॉर्डर कितना है, मैंने 2 पिक्सल्स का डिफाइन किया, कलर डिफाइन किया हुआ। अगर मैं यहां पे कलर को नहीं देता हूं, आपको ये भी चीज देख लो आप, मैं यहां पे कुछ नहीं करता हूं, इस बटन के एलिमेंट पे जाता हूं, कई बार कलर नहीं भी देते तो बाय डिफॉल्ट कलर उठा लेता, वो चीज हमें देखनी होती है, लेकिन मैं अभी बॉर्डर के कलर को हटा रहा हूं, देख लेते क्या होगा। और ये कलर हट गया, अब बॉर्डर का कोई रोल ही नहीं है, बॉर्डर आपको समझ ही नहीं आएगा कि बॉर्डर है क्या। इसलिए मैं कह रहा था बॉर्डर का अगर यूज करना है, उसके लिए सबसे पहले बॉर्डर की विड्थ कितनी, मोटाई होनी चाहिए वो डिफाइन होना चाहिए, प्लस उसका कलर, ठीक है। मेजरली ये 3 कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे, जो कि हर एक वेबसाइट में अप्लाई होंगे। इसके बाद चौथा कंसेप्ट आता है बॉर्डर रेडियस का। ये ऐसे कंसेप्ट है जो कि हर जगह अप्लाई होंगे, मैं इसलिए ये चीज क्लियर करके जा रहा हूं। बॉर्डर रेडियस जैसे मैंने डिफाइन कर दिया, ये एक इमेज है, क्योंकि इमेज में भी आप बॉर्डर रेडियस यूज करते हैं, हर जगह जहां पे भी कोई भी एलिमेंट आ रहा है या कोई भी रो आ रही है, हर जगह रेडियस का यूज होता है। रेडियस माने साइड से ये कर्व कितना होगा, साइड से ये कर्व कितना होगा, ये जैसे कोई रो है, रो के साइड में कर्व इतना कर्व होगा, इतना कर्व होगा या कितना कर्व होगा। जैसे मान लो रो के मैंने बता दिया बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, तो 10 पिक्सल से ये इस साइड से घूम जाएगा। अगर मुझे चाहिए चारों साइड में बॉर्डर रेडियस, तो मैं चारों साइड का 10-10 पिक्सल करूंगा। कई जगह बॉर्डर रेडियस का एक ही ऑप्शन होगा, या कई जगह चार अलग अलग कॉलम्स भी हो सकते हैं, आप चारों साइड का अलग अलग दो। अगर एक ही दे रहा तो मतलब वही 5 पिक्सल हर जगह अप्लाई हो जाएगा, चारों कोने पे, ठीक है। देख लेते हैं ये चीज कैसे अप्लाई होगी। जैसे यहाँ पे बॉर्डर रेडियस कुछ ना कुछ है, क्योंकि यहाँ पे घुमाव है, देख लो मैं यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पे जाके बॉर्डर रेडियस बटन में भी होती है, रो में भी होती है, कॉलम पे भी होती है, हर जगह अप्लाई होती है। लेकिन रो और कॉलम में देने के लिए पहली बात बॉर्डर का कलर सबसे पहले डिफाइन होना चाहिए, बॉर्डर का कलर और विड्थ, तब जाके आप ये चीज अप्लाई करोगे। बॉर्डर का कलर और विड्थ, मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 0 पिक्सल्स है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं करता हूँ, 10 पिक्सल देख लेते हैं, 10 पिक्सल कलर देना पड़ेगा क्योंकि मैंने पीछे कलर हटाया था। कलर को दे देते हैं बॉर्डर कलर को रेड, सेव, प्रीव्यू करके देख लेते हैं। आप देख लेते हैं इस पे कितना घुमाव है, ये देख लो आपके सामने घुमाव दिख रहा है, ये देखिए घुमाव। ऊपर वाले में 2 पिक्सल्स का था, यहां पे मैंने 5 पिक्सल का किया, आप देख ही रहे होंगे कितना फर्क आ रहा है। तो ये होता है बॉर्डर रेडियस। इसके बाद एक और चीज होती है होवर का कंसेप्ट। होवर क्या होता है, ये देखो मैं यहां पे माउस का कर्सर लेके जा रहा हूं, ये चीज हो रही है, बार बार देख लो ये, मतलब कि जब माउस का कर्सर जाता है आपके, उसके बाद क्या एक्टिविटी होगी। जैसे मैं एक छोटा सा करके एक चीज दिखाता हूं, जैसे होवर का यहां पे ये है, मैं चाहता हूं जब माउस का कर्सर जाए तो इसका कलर चेंज हो जाए, बैकग्राउंड में आ जाए व्हाइट, टेक्स्ट हो जाए ब्लैक, एकदम उल्टा। मैं यहां पे क्या करूंगा, एकदम उल्टा ये चीज करूंगा, होवर का कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं टेक्स्ट बटन पे जाता हूं और यहां पे वही स्टाइलिंग पे जाऊंगा, यहां पे बॉर्डर साइज, और यहां पे हम देखते हैं होवर कहां पे है, कलर, हाँ कलर में आएगा होवर, टेक्स्ट कलर। नॉर्मल टेक्स्ट कलर तो आपको क्या दिख रहा है यहां पे, व्हाइट,
नॉर्मल टेक्स्ट कलर आपको दिख रहा है व्हाइट, अब मैं क्या करूंगा टेक्स्ट होवर कलर कर दूंगा ब्लैक या रेड कर देते हैं, इसे रेड नहीं येलो कर देते हैं क्योंकि रेड में हमारा बॉर्डर है, ठीक है। इसके बाद बैकग्राउंड होवर कलर मैं कर दूंगा रेड, या रेड भी नहीं करते इसको, करते हैं ब्लू। ध्यान से देख लो, टेक्स्ट कलर मेरा व्हाइट है, टेक्स्ट होवर कलर मेरा है येलो, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, बैकग्राउंड होवर कलर ब्लू। कंफ्यूज हो रहे होंगे, जब फ्रंट एंड पे जाएंगे समझ आ जाएगा, बॉर्डर कलर रेड। अब मैं सेव करके प्रीव्यू करता हूँ, मैं अपडेट नहीं कर रहा हूँ ताकि ये चेंजेस सेव ना हो, क्योंकि मैं अभी डमी चेंजेस कर रहा हूँ। यहां पे देख लो कलर क्या है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, टेक्स्ट कलर व्हाइट। माउस लेके जाता हूं, माउस लेके जा रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ और सिर्फ माउस का कर्सर लेके जा रहा हूं। यहां पे बैकग्राउंड कलर मेरा ब्लैक है अभी जब माउस नहीं है, टेक्स्ट कलर व्हाइट, माउस गया बैकग्राउंड कलर ब्लू और टेक्स्ट कलर येलो। बैकहेंड में ये चीज फिर से देख लो, ये रहा मेरा, और ये हॉवर का कंसेप्ट हर जगह चलता है, टेक्स्ट पे भी चलता है, हर जगह आप ये कंसेप्ट चला सकते हो। स्टाइलिंग कलर पे जाके ये देखो, टेक्स्ट हॉवर कलर येलो, यहां पे जाके आप देख रहे होंगे टेक्स्ट हॉवर क्या हो रहा है, येलो हो रहा है येलो, और टेक्स्ट और बैकग्राउंड हॉवर कलर ब्लू जो कि आपको यहां पर दिख रहा है ब्लू, ठीक है। ये आ गया हॉवर का कंसेप्ट। इसके बाद फ़ॉन्ट फैमिलीज होती है, जैसे बहुत सारे फ़ॉन्ट के स्टाइल्स होते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली देखने के लिए मैं आपको एक वेबसाइट पे ले जाता हूँ, fonts.google.com। लाखों फ़ॉन्ट्स होते हैं, फ़ॉन्ट क्या होते हैं ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखते हो ना कुछ अलग स्टाइल में, देखो कुछ ऐसे देखते होंगे आप, कुछ लिखावट ऐसी है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, ये क्या होते हैं फ़ॉन्ट के स्टाइल्स होते हैं। कुछ ऐसे लिखे हुए हैं, अलग अलग टाइप के फ़ॉन्ट्स होते हैं, तो मतलब ये क्या होते हैं फ़ॉन्ट फैमिलीज। जैसे अभी यहाँ पे आपको एक फ़ॉन्ट दिख रहा होगा, जैसे नॉर्मली ये फ़ॉन्ट दिख रहा है, अगर ये स्टाइल अलग है ना तो ये क्या होता है फ़ॉन्ट का स्टाइल होता है। तो फ़ॉन्ट फैमिलीज होती है कहीं, जैसे कुछ होते हैं, जैसे यहाँ पे फेमस बता दें, रोबोटो फेमस है, सेंस सेरिफ है, ओपन सेंस है, लाटो एक अच्छा फ़ॉन्ट है, मॉन्स्टरेट बहुत अच्छा, मतलब बहुत जगह यूज होता है, पॉपिंस बहुत जगह यूज होता है, रोबोटो कंडेंस होता है, ये सब यूज होते हैं, ठीक है। कंसेप्ट है बेसिकली ये, तो यहाँ पे आप जो फ़ॉन्ट देख रहे हो, यहाँ पे आपको जैसे कोई चीज़ दिख रही है तो ये भी एक फ़ॉन्ट होगा। आप यहाँ पे बैकहेंड पे जाके जो हेडिंग है, हेडिंग का एलिमेंट है, यहाँ पे मैं इसकी एडिट सेटिंग्स करता हूँ, टाइपोग्राफी में ये चीज़ होती है बेसिकली, टाइपोग्राफी के ऑप्शन में। आप कोई दूसरा पेज बिल्डर यूज कर रहे हो वहां पे आपको दूसरे मतलब ऑप्शन दिखेगा, लेकिन मेजरली एलिमेंटर में भी टाइपोग्राफी के सेक्शन के अंडर ही ये मिलता है। कोई दूसरा आप बिल्डर यूज कर रहे होंगे वहां पे ही है, लेकिन ये जैसे WP पेज देख रही है, यहाँ पे टाइपोग्राफी के अंडर ये देख रहे हो, ठीक है। मेजरली ये फ़ॉन्ट फैमिली है। वेट क्या होता है यहाँ पे, सिर्फ ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये थीम ज्यादा फ़ॉन्ट को सपोर्ट नहीं कर रही है। हेडिंग यहाँ पे एक दो फ़ॉन्ट ही है, हेडिंग क्या आपने यहाँ पे मतलब कि थीम के ग्लोबल ऑप्शन से, मतलब कि थीम के सेटिंग्स में डिफाइन है कि ये फ़ॉन्ट पॉपिंस फ़ॉन्ट का हर जगह हेडिंग में यूज होगा, जहाँ पे भी हेडिंग का एलिमेंट होगा, जहाँ पे भी आप हेडिंग को यूज कर रहे हो वहाँ पे पॉपिंस फ़ॉन्ट डिफाइन है। जैसे यहाँ पे थीम सेटिंग दिख रही है, मैं आपको थीम सेटिंग खोल के दिखा देता हूँ। थीम सेटिंग के अंदर अंडर टाइपोग्राफी सेक्शन या कोई फ़ॉन्ट का सेक्शन होगा, वहाँ पे ये चीज डिफाइंड होगी कि कौन सा कलर है। जैसे स्टाइलिंग के अंदर बॉडी फ़ॉन्ट, यहाँ पे पहले से डिफाइंड है मॉन्स्टरेट, इतने सारे फ़ॉन्ट हैं, ये ग्लोबली हर जगह अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, ग्लोबली हर जगह अप्लाई हो रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना होता है, बैकहेंड पे जब भी आप आओगे यहाँ पे से आपको ये सिलेक्ट करना, हेडिंग या बॉडी, आपका हेडिंग में है तो बाई डिफॉल्ट यहाँ पे जो भी होगा हेडिंग के अंदर वो सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बॉडी है तो बॉडी के अंदर मॉन्स्टरेट जैसे बाई डिफॉल्ट है, हर जगह आप मॉन्स्टरेट फ़ॉन्ट को ही देख रहे होंगे, ठीक है। मेजर ये होता है, अगर कहीं पे यहाँ पे आपको नई ऑप्शन दे रहा है मतलब ग्लोबल सेटिंग से डिफाइंड है, थीम सेटिंग से ये चीज डिफाइंड है, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट क्या होता है ये चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। फ़ॉन्ट वेट मतलब मोटा या पतला, एक चीज बस ये समझो आप,
जैसे आपने ये देखा होगा, ये फॉन्ट फॉन्ट ये पतला है, फॉन्ट सेम या मॉन्स्ट्रेट ही होगा ये फॉन्ट, बट ये मोटा है, ये पतला है, ये क्या होता है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट 100 से लेके 600 पिक्सल तक मैंने देखे हुए हैं, इसके आगे भी होते हैं, या फिर कई थीम्स ऐसा कह देती है कि सेमी बोल्ड, बोल्ड या कैसा होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको देख के दिखा देता हूँ। जैसे फास्ट एंड इफेक्टिव में टाइप अंडर टाइप यहाँ पे सेमी बोल्ड फॉन्ट है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं करता हूँ, एक्स्ट्रा बोल्ड कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, प्रीव्यू कर देता हूँ। फास्ट वाला जहाँ पे होगा हम वहाँ पे जाते हैं। ये देखो यहाँ पे थोड़ा मोटा हो गया क्योंकि यहाँ पे सेमी बोल्ड हो चुका है, मतलब मोटाई को डिफाइन करता है एक ये चीज। ठीक है, इसके बाद जैसे मैं आपको और दिखा देता हूँ, और कंसेप्ट कहीं पे आपको फॉन्ट का दिखा देता हूँ। जैसे अब मैं जो करने जा रहा हूँ उसे देखने की ज़रूरत नहीं है, मेजरली मैं आपको कंसेप्ट को क्लियर कर देता हूँ। आप ये चीज़ अगर थोड़ी बहुत ही CSS आती है आप उससे भी कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ ये चीज़ कैसे होती है। मतलब फ्रंट एंड पे मैं चेंज करके दिखा दें, अब आप ये सोचते हो फ्रंट एंड में मैं चेंज कर रहा हूँ तो बैक एंड पे वो चीज़ क्या हर कोई भी ये चीज़ कर सकता है, तो मैं कहूँगा नहीं कर सकता। क्योंकि ये चीज़ सेव नहीं होती है, एक CSS की प्रॉपर्टी होती है, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। मेजरली अभी सेलेक्ट नहीं होगी शायद, यहाँ पे मैं बस एक प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ फॉन्ट वेट की, जो कि एक CSS में प्रॉपर्टी, अगर किसी थोड़ी बहुत ही नॉलेज होगी तो वो शायद समझ जाएगा। मे भी अप्लाई नहीं हो रहा शायद, गलत ये रहा। एक्चुअली ये गलत मैंने खोला हुआ, वैसे इसको खोल लेते हैं, इस टाइप में कर लेते हैं। यहाँ पे फॉन्ट फिट आपको दिखा देते हैं। ठीक है, मेजरली वैसे इसको आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन मेजरली मैं आपको दिखा रहा हूँ ये चीज़ अप्लाई कैसे होती है। शायद मेरी भी कुछ प्रॉब्लम होगी। ये देखो यहाँ पे लॉरम यूज़र कंसल्टिंग वाले को ध्यान से देखो, कंसल्टिंग वाले के नीचे क्या है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं करता हूँ, 500 पिक्सल्स कर देता हूँ, मतलब 500 का फॉन्ट वेट कर रहा हूँ। मेजरली अप्लाई नहीं हो रहा है, देख लेते हैं। मेरे कई बार ये चीज़ सेव नहीं होती है, ये देखो 600, क्योंकि 500 पिक्सल इसलिए नहीं कर रहा मैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये शायद 500 पिक्सल होगा, 500 के करीब होगा ये फॉन्ट वेट, इसीलिए 500 के ऊपर मैं डालूंगा तब ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी। आप देखो नॉर्मल हो गया क्योंकि 600 पे ये चीज़ दिखा रहा है इसका, अब मैं 900 डालता हूँ, 900 और मोटा हो गया। कहने का मतलब है फॉन्ट वेट क्या है, एक प्रॉपर्टी है CSS की जो कि आपके फॉन्ट को पतला या मोटा करता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। ये क्या होता है, इग्नोर कर दो ये आप, क्योंकि ये मैंने CSS से किया हुआ है, CSS आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वर्डप्रेस में ये ऑप्शन कहाँ पे होता है, यहाँ पे जाओगे आप कोई भी, जैसे मुझे इसको करना है टेक्स्ट ब्लॉक वाले एलिमेंट को करना है, स्टाइलिंग में जाके ये थीम प्रोवाइड कर रही है या नहीं मैं वो बता देता हूँ, ये थीम प्रोवाइड नहीं कर रही है, बट कंसेप्ट ये, अगर आप कोई दूसरी थीम में देखते हो ना फॉन्ट वेट, ये चीज़ अप्लाई होती है। ठीक है, CSS से कोडिंग से, थोड़ी बहुत ही कोडिंग से आप ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं भी आता कोई नहीं, ये थीम सपोर्ट नहीं कर रही होगी फॉन्ट वेट वाला ऑप्शन। ठीक है, थोड़ी बहुत ही CSS से आप लोग ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया,
ठीक है। इसके बाद फॉन्ट वेट के भी होने के बाद मेजरली आपके कंसेप्ट एक बार क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, एनिमेशंस का आप कह रहे हो, एनिमेशंस कहाँ पे होते हैं? अगर आप रो साइड, ये थीम क्या होता है, ये थीम थोड़ा बेसिक थीम है, एडवांस थीम के लिए आप जाओगे थोड़ा सा आपको अलग थीम पे जाना पड़ेगा, लेकिन बेसिक समझने के लिए आपको इस थीम पे काम करना आना चाहिए, तभी आप जाके कोई एडवांस थीम को पकड़ सकते हो। ठीक है, मैं जैसे रो सेटिंग के अंदर जाता हूँ, एनिमेशन हर लेवल पे लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं कोई एलिमेंट है, एलिमेंट लेवल पे भी एनिमेशन कई टाइप्स के होते हैं, फेड इन एनिमेशन होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। जैसे मैं यहाँ पे फेड इन एनिमेशन, फेड इन डाउन एनिमेशन को यूज कर लेता हूँ, बाकी और एनिमेशन डिले कितनी देर बाद हो, एनिमेशन हो, ये सब। ठीक है, फेड इन डाउन, सेव चेंजेस, प्रीव्यू चेंजेस, ये थीम कम एनिमेशन को प्रोवाइड कर ले, बेसिकली कई एनिमेशन होते हैं लेकिन ये कम एनिमेशन को प्रोवाइड। ये देखो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, फिर से ये चीज देख लो, मैं कोई दूसरे एलिमेंट पे अंदर लगाता हूँ, मैंने ऊपर लगाया था, यहाँ पे मैं लगाता हूँ एनिमेशन, एनिमेशन टैब में जाके यहाँ पे करता हूँ स्लाइड इन अप, इस एनिमेशन को दे रहा हूँ। बेसिकली एनिमेशन के डिजाइन है, मतलब आप किस लेवल पे ऊपर से नीचे दिखाना चाहते हैं। अब मैं ऊपर करता हूँ, देख रहे हो, एक ऊपर से आ रहा है, एक नीचे से आ रहा है, ये क्या होते हैं, अलग अलग एनिमेशन है। यहाँ पे जाके आप अलग अलग एनिमेशन को ट्राई कर सकते हो, जो भी आपको पसंद आए वो एनिमेशन आप लगा सकते हो। ठीक है, एनिमेशन का हो गया, एनिमेशन हर लेवल पे कर सकते हो। एक चीज मैं और बताता हूँ, अगर कोई थीम आपको एनिमेशन नहीं प्रोवाइड कर रही है तो आप या तो थीम चेंज कर सकते हो, या अगर आपको थोड़ी बहुत ही CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स आती है, CSS की बेसिक नॉलेज है, तो आप ये चीज कर सकते हो एनिमेशन को। मैं ये चीज हमेशा कहूंगा, अगर कोडिंग आती है थोड़ी बहुत ही, तो आप हर एक चीज को कर सकते हो, वर्डप्रेस के एडवांस चीज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कोडिंग के लिए पहले आपको वर्डप्रेस के हर एक ऑप्शंस को पता होना चाहिए, वर्डप्रेस में क्या क्या चीज़ कर सकते हैं उसके लिमिटेशंस पता होनी चाहिए, उसी के बाद आप वो स्टेप्स को कर सकते हो। ठीक है, आइकन, आइकन है, आइकन के एलिमेंट को भी दिखा देता हूँ, आइकन के अंदर के ऑप्शंस को, आइकन के अंदर के ऑप्शंस ये देख लो, आइकन अलाइनमेंट देख लो, अलाइनमेंट जैसे लेफ्ट अलाइन है, सेंटर करता हूँ तो यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा, राइट करता हूं तो राइट साइड आ जाएगा। ठीक है, लेकिन राइट साइड किस रिस्पेक्ट में आएगा, ये कॉलम के रिस्पेक्ट में आएगा। ठीक है, ये जिस भी कॉलम पे होगा, मैं एक बार करके दिखा देता हूं इसे, मैं इसे कुछ नहीं करता हूं, अलाइनमेंट कर देता हूं राइट, ये कॉलम से बाहर नहीं जाएगा। ये चीज राइट साइड आएगा, लेकिन पूरा राइट नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि ये पहले एक रो ली गई है, रो को दो में डिवाइड किया, दो कॉलम से, उसके बाद राइट साइड वाले कॉलम को फिर से दो में डिवाइड किया गया है, तो वो इस कॉलम के रिस्पेक्ट में, मतलब ये हो गया इनर रो, इसको बोलेंगे इनर रो। एक बार एक ट्री सा दिखा देता हूं आपको, मतलब सबसे पहले क्या है, रो, रो को कर दिया दो में डिवाइड। ठीक है, दो में डिवाइड होने के बाद इसको फिर से दो में डिवाइड कर दिया गया, जैसे आप यहां पे देख रहे होंगे, एक रो दो कॉलम, और ये रो को भी दोबारा से दो कॉलम से डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, बोलते क्या इसे प्रोफेशनल लैंग्वेज में, वो देख लो, रो है, रो को दो कॉलम्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जो दूसरा कॉलम है उसे इनर रो के अंदर डिवाइड कर दिया, अब इसे बोलेंगे अब इनर रो, जो इसके अंदर रो होगी। ठीक है, इनर रो, इनर रो को फिर से इनर कॉलम के अंदर डिवाइड कर दिया। आप जैसे अगर, जैसे जो भी थीम ये है उसमें भी ये चीज बता रखी है, जैसे ये कहेंगे कॉलम के अलग साइड, आप देखोगे ऑप्शंस बढ़ गया, रो के अंदर ऑप्शंस है, हर एक कॉलम के अंदर ऑप्शंस है, अब रो के अंदर क्या है, इनर रो, इनर रो के अपने ऑप्शंस है और इनर कॉलम के अपने ऑप्शंस है, और हर एक लेवल पे एलिमेंट जो है उसके अपने ऑप्शंस है। ठीक है, ये चीज। इसके बाद मेजर कंसेप्ट तो ये है, मे बी आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, मैं कुछ एलिमेंट बता देता हूं, जैसे जिसका यूज होगा स्लाइडर रेवोल्यूशन, जो आप ये देख रहे हो स्लाइडर्स की वजह से है, स्लाइडर का प्लगइन होता है, प्लगइन की वजह से आते हैं। एसईओ के मुताबिक कम स्लाइडर्स को यूज करना चाहिए, बट आपको स्लाइडर्स बनाने आने चाहिए। ठीक है, ये जो आप देखते हो इधर से उधर जा रहा है, एक पे कई सारे एनिमेशन दिख रहे हैं, मतलब ये जो है ये स्लाइडर है, जैसे यहाँ पे मैं प्ले सा करता हूँ तो इस
एक यूट्यूब मतलब एक स्लाइडर की तरह है ये, ठीक है। देखोगे ना अपने स्लाइड्स हो रहे हैं कहीं वेबसाइट्स में, वो स्लाइडर्स की वजह, ये स्लाइडर का एलिमेंट है। यहाँ पे एक रो ले रखी है, रो को दो कॉलम्स में डिवाइड कर रखा है और उसके बाद दूसरे को हाफ फिर से दो कॉलम्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। इसके बाद ये और यहाँ पे एलिमेंट बता देता हूँ, हेडिंग के एलिमेंट को यूज किया हुआ है, बटन के एलिमेंट को यूज किया है, ये आइकन का एलिमेंट है, ये फिर से हेडिंग है, ये टेक्स्ट ब्लॉक है क्योंकि छोटे में है टेक्स्ट ब्लॉक, ठीक है। इसके आगे ये क्या, एक रो है, रो के बैकग्राउंड में इमेज दे रखी है, ये देखो देख लेते हैं। जैसे ये रो है, ये वाली रो है, इस रो के रो की सेटिंग्स में जाओगे, डिजाइन ऑप्शंस में जाओगे, नीचे स्क्रॉल करोगे, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज के अंदर ये आप इमेज देख रहे हो, इमेज के बाद ये पैडिंग दे रखी है, ये देख लो इतना डिफरेंस। और यहां पे मार्जिन तो मैंने ऊपर की एक ओरिजिनल दिखा देता हूं जो है, ये देख रहे हो अंदर की तरफ पैडिंग और यहां पे देख रहे हो मार्जिन, देख लेते हैं पैडिंग कितना पिक्सल्स है, पैडिंग 180 पिक्सल्स और नीचे की तरफ 240, ऊपर 180 नीचे 240। या तो कलर से भी अलग हो सकता है पैडिंग, ये भी कलर के साथ इमेज, क्योंकि इमेज भी अलग कर रही है एक तरह से। मार्जिन क्यों दिखा रहे हैं डिफरेंस, यहां पे क्यों दिखा रहे हैं, शायद ये होगा कि ऊपर वाले रो से नीचे वाले को मार्जिन दिया होगा, ऊपर वाले रो को नीचे से मार्जिन दिया होगा 100 पिक्सल 150 पिक्सल, तो इसलिए नीचे डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है, ये कंसेप्ट है। इसके बाद ये काउंटर का एलिमेंट है, काउंटर यहां पे जाओगे काउंटर का एक एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। काउंटर के बाद नीचे ये टेक्स्ट है, कई थीम ऐसा करती है काउंटर के साथ ही नीचे टेक्स्ट हो गया, ये डिवाइडर बोलते हैं इसे, और ये टेक्स्ट है नीचे, कई थीम प्रोवाइड कर रही है, थीम नहीं प्रोवाइड कर रही है, तो इसमें सिर्फ काउंटर है, काउंटर के नीचे एक हेडिंग लगा दो बातें की है, ठीक है। ये क्या है, एक इमेज का एलिमेंट है, सिंगल इमेज बोलते हैं इस थीम में, हायर सिक्योरिटी हायर, ये हेडिंग है, टेक्स्ट ब्लॉक है, ये जो थीम में प्रोवाइड कर लिस्ट नाम से एक एलिमेंट है वो है, ये रहा लिस्ट नाम से एलिमेंट है। इसके बाद ये फिर क्या है, हेडिंग टेक्स्ट ब्लॉक, और ये बोलते हैं प्रोग्रेस बार, प्रोग्रेस बार का एक एलिमेंट है, कोई दूसरी थीम में कोई दूसरा नाम होगा बट कंसेप्ट सेम ही रहती है। ये क्या है, सिंगल इमेज, ये क्या है, हेडिंग टेक्स्ट ब्लॉक, और ये जो आपको दिखा कैराउजल बोलते हैं इसे, ठीक है, कैराउजल्स, तो कैराउजल का बकायदा इमेज कैराउजल नाम से एलिमेंट होगा शायद, देख लेते हैं क्या एलिमेंट है, एलिमेंट के नाम ही अलग अलग होते हैं। ये देखो इमेज गैलरी के नाम से ये देख रहा है, कंसेप्ट वही है, ठीक है। गैलरी के अंदर भी ऑप्शंस होते हैं, आप किस लेआउट में करना चाहिए, ये ऐसे लेआउट में, कुछ इमेज का लेआउट अलग होगा, यहाँ पे आप वो सब डिफाइन कर सकते हो जो जो थीम प्रोवाइड कर रही है। टॉप क्वालिटी, ये क्या, टेक्स्ट ब्लॉक ले लो, हेडिंग ले लो, टेक्स्ट ब्लॉक हेडिंग टेक्स्ट ब्लॉक, फिर बटन ले लो, बटन के अंदर एक छोटा सा एनिमेशन दे दो, जैसे इसमें ये एनिमेशन है। इसके बाद ये टेस्टिमोनियल्स होते हैं, बकायदा कई थीम्स में टेस्टिमोनियल्स का एलिमेंट होता है, लेकिन ये थीम नहीं प्रोवाइड कर रही होगी तो क्या ले सकते हो, एक एक यहाँ पे ऐसी इमेज ले लो, टेक्स्ट ब्लॉक ले लो, हेडिंग ले लो, एक राइट साइड में एक इमेज ले लो, सिंपल। ये क्या, इमेज कैराउजल नाम से होगा, या देख लेते हैं ब्रांड्स को जिससे डिफाइन करते हैं, पार्टनर्स नाम से एलिमेंट दे रहे हैं। बेसिकली क्या आप देख रहे होंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, एलिमेंट्स के साथ खेलना है हमें, ठीक है। इन एलिमेंट्स के अगर ऑप्शंस आपको पता होंगे, आपको हर एक चीज़ पता होगी, ठीक है। इसलिए जो टास्क था वो इसी बेस पे था, ताकि आपको हर एक चीज़ का पता हो, हर एक चीज़ आपके क्लियर होते जाए, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, जो आप ये ऊपर देख रहे हो जेवलिन और ये क्या है, हेडर बोलते हैं इसे, और नीचे आप ये जो देख रहे हो फुटर बोलते हैं। हेडर और फुटर बेसिकली अलग से बनता है, ठीक है। चाहे तो वो आपको ऑप्शन थीम सेटिंग के अंडर दे रहा होगा, जैसे ये दे रहा फुटर का ऑप्शन यहाँ दे रहा है, हेडर का ऑप्शन बकायदा यहाँ पे दे रहा है, हेडर के टेम्पलेट दे रहा है। अगर आप टेम्पलेट वन कर दोगे तो ये उस मतलब लेआउट में आ जाएगा हेडर, आप ये चेंजेस करके देख लेना, बकायदा थीम सेटिंग के अंदर हेडर के टेम्पलेट देख लेना कैसे कैसे है, बकायदा फुटर के टेम्पलेट देख लेना, ठीक है। एक कंसेप्ट और बता देता हूँ, स्टिकी हेडर क्या होता है, स्टिकी कई जगह आप देखोगे, ये ऐसे कंसेप्ट्स है जो एक वेब डिजाइनर एक वेबसाइट डेवलपर ज़्यादा इसे यूज करता है, क्योंकि ये कंसेप्ट ही है, इसे कोई थ्योरी में नहीं बताया जा सका, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। आपने देखा होगा कई बार आप
आपने कई बार देखा होगा कि जैसे ये पेज है, आप पेज को नीचे स्क्रॉल कर रहे हो लेकिन हेडर जुड़ा हुआ है, हेडर चिपका हुआ है अपनी जगह, ठीक है। ये किसकी वजह से है, इसे बोलते हैं स्टिकी हेडर। यहाँ पर स्टिकी हेडर का ऑप्शन ऑन होगा, ठीक है। स्टिकी हेडर ऑन, मैं इसे कर देता हूं ऑफ, और यहां पे बस कुछ नहीं करता हूं, करता हूं सेव चेंजेस, पेज को करता हूं रिफ्रेश। अब आप देखोगे कहां गया जेवलिन, ऊपर चिपका हुआ है अपनी जगह, ये होता है स्टिकी हेडर, ठीक है। स्टिकी हेडर का कंसेप्ट मिल जाता है आपको। बेसिकली जेवलिन क्या है, एक लोगो लगा रखा है उसने यहाँ पे, आप अपना वेबसाइट का लोगो लगा सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो इमेज है लोगो की, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से स्टिकी हेडर को ऑन कर देता हूँ। स्टिकी मोबाइल हेडर मतलब आप मोबाइल में स्टिकी रखना चाहते हो या नहीं, ये भी बकायदा आपने ऑप्शन दे रखा है। मोबाइल में ऑफ था, स्टिकी हेडर यहाँ पे ऑन था, ठीक है। ये क्योंकि मोबाइल के हिसाब से वेबसाइट अलग से रिस्पॉन्सिव बनती है, ठीक है, ये कंसेप्ट। इसके बाद स्लाइडर्स कहां से बनते हैं ये देख लो। साइड में स्लाइडर रेवोल्यूशन नाम से प्लगइन है, दो से तीन प्लगइन्स होते हैं जो मोस्ट फेमस है, वो मैं आपको बता देता हूं। पहला स्लाइडर रेवोल्यूशन का प्लगइन है, मोस्ट फेमस है, जो कि यहां पे फोटोशॉप लेवल की एडिटिंग कर सकते हो आप। यहां पे स्लाइडर रेवोल्यूशन जो कि इंस्टॉल्ड है इसमें, मेजरली ये चीज नहीं दिखा रहा क्योंकि ये अलग से डाउनलोड करनी पड़ती है, अलग से डाउनलोड करके आप यहाँ पे अपलोड करोगे स्लाइडर रेवोल्यूशन का प्लगइन। जो दूसरा मोस्ट फेमस है वो है स्मार्ट स्लाइडर 3, ये प्लगइन जो आप देख रहे हो ये भी मोस्ट फेमस यूज होता है, लेकिन ज्यादातर वेबसाइट स्लाइडर रेवोल्यूशन का यूज करते हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे, स्लाइडर रेवोल्यूशन आपको बनाना आना चाहिए, लेकिन SEO के हिसाब से उतना लोग थोड़ा सा इग्नोर करते हैं इसे, क्योंकि कारण क्या, वेबसाइट के पेज लोड टाइम को डिक्रीज करने के लिए ये हम कम करते हैं, ठीक है। मेजरली ये कंसेप्ट है, मैं फिर से बता देता हूँ मैंने आज कौन कौन से कंसेप्ट्स को डिस्कस किया है, ठीक है। क्या क्या कंसेप्ट है, पहला कंसेप्ट मार्जिन क्या होता है, दूसरा कंसेप्ट पैडिंग क्या होता है, तीसरा कंसेप्ट बॉर्डर क्या होता है, चौथा कंसेप्ट बॉर्डर रेडियस, पांचवा कंसेप्ट होवर का कंसेप्ट, जब माउस का कर्सर जाए तब क्या हो उस पे, छठा कंसेप्ट फॉन्ट फैमिलीज होती है अलग अलग। अगला कंसेप्ट, एक दो कंसेप्ट मैं और बता देता हूँ क्योंकि ये चीज ऐसी है जो CSS के कंसेप्ट है बेसिकली फॉन्ट। एक दो कंसेप्ट मैं शायद भूल गया हूँ, वो आपके साथ अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक होता है लाइन हाइट और दूसरा है लेटर स्पेसिंग, ठीक है। लाइन हाइट और लेटर स्पेसिंग क्या है बकायदा हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे फास्ट एंड इफेक्टिव वाले पे मैं लाइन हाइट को अप्लाई करूंगा। पहले मैं रिफ्रेश कर देता हूँ क्योंकि जो भी चेंजेस हुए हैं मैं उसे नहीं सेव करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कर दिया पेज को रिफ्रेश, ठीक है। मैं जाता हूँ फास्ट एंड इफेक्टिव वाला, जहाँ पे भी है ये एलिमेंट, जहाँ से भी ये बनाया गया, ठीक है। फास्ट एंड इफेक्टिव पे जाके, जैसे ये रहा फास्ट एंड इफेक्टिव, मैं यहाँ पे दूंगा लेटर स्पेसिंग दूंगा, यहाँ पे टाइपोग्राफी, अंडर टाइपोग्राफी सेक्शन ये मिलेगा आपको, यहाँ पे लेटर स्पेसिंग अगर ये ऑप्शन दे रहा है, लाइन हाइट का दे रहा है, लेटर स्पेसिंग दे रहा है, CSS का कंसेप्ट है। यहाँ देख रहे हो, अभी आप ध्यान से देख लो ये क्या दिख रहा है आपको, ठीक है। मैं लेटर स्पेसिंग देने जा रहा हूँ 10 pixels, फिर से देख लो लेटर स्पेसिंग 10 pixels, सेव चेंजेस प्रीव्यू, लेटर स्पेसिंग 10 pixels। आप ध्यान से देख लो, ये मेरा पुराना जो पेज है जो अपडेट नहीं है, और ये मैंने जो अभी किया है फास्ट एंड इफेक्टिव, आप देख रहे होंगे हर एक लेटर्स के बीच में स्पेस बढ़ गया 10 pixels का। तो क्या होता है लेटर स्पेसिंग का मतलब, हर एक लेटर्स के बीच में स्पेसिंग को बढ़ाना, ठीक है।
नाम से ही पता चल रहा है, लेटर स्पेसिंग मतलब हर एक लेटर्स के बीच में स्पेस को देना। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, आपके डिजाइन को बिगाड़ और अच्छा दोनों सकती है। दूसरा अब बताता हूं लाइन हाइट, दो लाइन के बीच में हाइट को देना, कंसेप्ट को देख लेते। अब मैं देता हूं लॉरम इप्सम, क्योंकि यहां दो लाइन है, दो लाइन में अब मैं यहां पे दूंगा लाइन हाइट को, जैसे टेक्स्ट ब्लॉक वाले के अंदर मैं दूंगा लाइन हाइट, स्टाइलिंग टैब में जाके लाइन हाइट को मैं दे दूंगा 15 पिक्सल। मैं ज्यादा ज्यादा इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको डिफरेंस, मैं 2-3 पिक्सल दूंगा आपको डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा, मैं 15 पिक्सल इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको डिफरेंस पता चले। लाइन हाइट 15 पिक्सल, सेव चेंजेस प्रीव्यू। अब मैंने लॉरम इप्सम वाले पे दिया हुआ है, अब देखते हैं क्या चेंज होता है। लाइन हाइट 15 पिक्सल, चिपक गया है ये, पहले बड़ा बड़ा इसलिए दिखा रहा था क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब थीम सेटिंग्स में ये डिफाइंड होगा कि लाइन हाइट हो कितनी 20 पिक्सल, तो वो 20 पिक्सल मतलब वो कहां से डिफाइंड है, हमारी थीम की ग्लोबल सेटिंग से ये चीज डिफाइंड है। थीम की ग्लोबल सेटिंग से डिफाइंड होती है कई चीजें, कि आपका फॉन्ट कौन सा होना चाहिए, फॉन्ट स्टाइल कौन सा होना चाहिए, फॉन्ट का बैकग्राउंड मतलब फॉन्ट का कलर क्या, कई बार थीम सेटिंग से होता है। आप यहां पे चेंजेस आपको देखते हो यहां पे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो चीज थीम सेटिंग से आ रखी होती है। ठीक है, ये चीज यहां पे मैंने कम किया, थीम सेटिंग में लगा 20 पिक्सल होगा, मैंने यहां पे किया 15 पिक्सल, तो ये चिपक गया। मैं यहां पे इसे दे देता हूं, कितना बड़ा करके दिखाता हूं आपको, मैं यहां पे इसे देता हूं 40 पिक्सल, आपको क्लियरली डिफरेंस समझ आ जाएगा। लाइन हाइट 40 पिक्सल, सेव चेंजेस प्रीव्यू। देख लो कितना डिफरेंस है, थीम सेटिंग में इसमें लगभग होगा, आप देख रहे होंगे लगभग 25 पिक्सल के आसपास होगा ये, यहां पे मैंने दे दिया 40 पिक्सल, आप देख रहे होंगे दो लाइन के बीच में। व्हाइट बोर्ड में फिर से दिखा देता हूं, आर और आर दो लेटर्स है, इन दोनों बीच के स्पेस को बढ़ाने को बोलेंगे लेटर स्पेसिंग। दो लाइन है, लाइन वन और लाइन टू, इन दोनों के स्पेसिंग को बढ़ाने के लिए मैं दूंगा लाइन हाइट। ठीक है, मेजर कंसेप्ट है ये भी। ये चीज आप CSS के थ्रू भी कर सकते हो, CSS प्रॉपर्टी होते लाइन हाइट की, उससे ये चीज आप आराम से कर सकते हो लाइन हाइट। इसके अलावा भी और भी कंसेप्ट है, बाकी आप जब खुद प्रैक्टिस करोगे कंसेप्ट अपने आप बाहर आएंगे। मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपको करके दिखा रहा हूं, ना कि मैं कोई थ्योरी में बता रहा हूं। अगर ये ऑप्शंस को आप अपने आप छेड़ लेते, अपने आप इधर से उधर करके देख लेते, शायद आपको भी ये ऑप्शंस का पता चल जाता। ठीक है, तो ये हमारा मेजर कंसेप्ट था, यहाँ पे बेसिक बेसिक कंसेप्ट तो वेबसाइट के क्लियर हो चुके हैं। कुछ एक कंसेप्ट होंगे हम अगली क्लास में ले लेंगे। आपका अगला टास्क क्या, आज आपको मैंने स्टार्टअप क्रिएटिव का डेमो दिया था, अगला डेमो आपको जो बना के लाना है उसके जैसा वो है, इंपोर्ट डेमो पे मैं जेवलिन के जाऊंगा, एक और पेज आपको उसके जैसा बना के लाना है। इंपोर्ट डेमो में अब आपको बर्गर का डेमो डालना, बर्गर शॉप का। 15 मिनट में कॉल करता हूँ, 15 मिनट बस, 15 मिनट। आपको यहाँ पे बर्गर शॉप के डेमो को इंपोर्ट करना है। डेमो कैसे इंपोर्ट करना है आपको बताया था, कुछ नहीं करना, जेवलिन के इंपोर्ट डेमो सेक्शन में आ जाना है। आपके सामने ऐसी टैब आ जाएगी, बड़े सारे डेमो, कोई भी डेमो को कर सकते हो, आपको बेसिकली प्रैक्टिस ही करनी है, उसके जैसा बनाना है। इंपोर्ट डेमो पे जाओगे, यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म सेंड को करना चाहो कर दो, लेकिन जरूरत नहीं है, आप ऊपर के तीन को सेलेक्ट रहने दो, कंटिन्यू इंपोर्ट। अब आपका जब भी आप कोई भी डेमो इंपोर्ट करते हो, एक चीज समझो, जो भी डेमो इंपोर्ट करोगे वो आपका फ्रंट पेज आ जाएगा, क्योंकि जेवलिन सिर्फ आपको वन पेज डेमो दे रही है, ज्यादा नहीं दे रही, कई थीम बहुत ज्यादा डेमो दे रही है, एक डेमो के साथ 20-20 पेज देती है कई थीम, वो आपको देखना पड़ेगा कंटेंट कितना दे रही है डेमो का कंटेंट। ठीक है, यहां पे मैं इंपोर्ट डेमो कर दिया मैंने, और जैसे ये डेमो इंपोर्ट होगा, अब हमारा जो स्टार्टअप क्रिएटिव वाला पहला पेज था वो होम पेज था, वो हट जाएगा क्योंकि मैंने दूसरा डेमो इंपोर्ट कर दिया है। एक कंसेप्ट मैं और बता देता हूँ, कई थीम में ऐसा होता है कि आप एक टाइम में
एक ही डेमो को इंपोर्ट रख सकते हो। उस केस में क्या करना होगा आपको, पुराने डेमो को डिलीट करना होगा और एक नया डेमो इंपोर्ट करना होगा। डिलीट करने का ऑप्शन आपको वहां पे उस थीम में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक नया पेज मिल जाएगा बर्गर शॉप का जो भी डेमो होगा, ठीक है, और वो बाय डिफॉल्ट जब भी आप इंपोर्ट डेमो करते हो एक ही पेज का डेमो है जेवलिन में, तो आपको ये होम पेज डिफाइंड हो जाएगा। सेम वही चीज बर्गर में भी होगा, ये अप्लाई नहीं हुआ होगा, आपका एक नया पेज बन गया है बर्गर शॉप का, ठीक है, ये नया पेज बन गया। अब यहाँ पे मैं अगर पेजेस के सेक्शन पे जाऊंगा, एक बर्गर शॉप के नाम से बर्गर शॉप का बाय डिफॉल्ट, क्योंकि जब भी आप कोई भी डेमो इंपोर्ट करते हो वो आ जाता है यहाँ पे चेकआउट पेज। ये क्या आ रहे हैं, इन सबको इग्नोर करो, क्योंकि ये वूकॉमर्स की वजह से है, इन सबको टोटली इग्नोर करना चाहिए। शायद वूकॉमर्स इसमें डल चुका है लेकिन नहीं डला हुआ, देखते ही क्यों आ रहा है, बाकी इसका इग्नोर करना चाहिए आपको। होम बर्गर शॉप, ये आपका होम पेज बन चुका। अब आप इसके होम पेज पे जाओगे, अब आपको बर्गर शॉप का जो डेमो है वो दिख रहा होगा। ये देखो पहले क्या दिख रहा था, अब क्या दिख रहा है। टास्क क्या है, पहले आपने बैकहेंड को देख देख के फ्रंट, अपने बैकहेंड को हर ऑप्शंस को देखा होगा, उसके बाद उस पेज को बनाया होगा, एक नया पेज आपने यहां से न्यू पेज पे जाके बनाया होगा। टास्क ये है, अब बिना देखे आपने जैसे ये देख लिया, अब आपको आइडिया क्या है, ये स्लाइडर होगा, स्लाइडर को अभी चाहे छोड़ दो, इमेज है, ये क्या बटन होगा, हेडिंग होगा, टेक्स्ट ब्लॉक होगा, ये क्या होगा हेडिंग होगा, ये क्या होगा आपका बटन होगा, इमेज होगा, हेडिंग, ये हेडिंग होगा। अब आपको सिर्फ फ्रंट एंड देखना है, फ्रंट एंड देख के बैक एंड को डिजाइन करना है। कहीं पे अटकते हो उसी केस में आपको बैक एंड पे जाना है, अदरवाइज नहीं। ये टास्क है आपका इंपॉर्टेंट, ये टास्क अगर आप फिनिश कर देते हो मेजरली आपको वेबसाइट खुद के बनाने आ जाएंगे। कहीं पे मान लो ये है, जैसे आपको दिख रहा है ये क्या है, हेडिंग को लिया होगा, हेडिंग में लिखा होगा हैम सैंडविच, इसके बाद इसको लेफ्ट अलाइन किया होगा, ठीक है, इसके बाद जैसे ये बटन है न्यू इन टाउन, क्या किया होगा, बटन लिया होगा, न्यू इन टाउन लिया होगा, न्यू इन टाउन टेक्स्ट लिखा होगा, इसके बाद अलाइनमेंट इसकी होगी लेफ्ट, बैकग्राउंड कलर कितना क्या होगा इसका, लाइक रेड जैसा दिख रहा है, टेक्स्ट कलर इसका होगा वाइट। सिंपल सा कंसेप्ट है, इन सबको आपको यूज करना है आपको, और एक फ्रंट एंड बनाना है। जैसे इसमें बटन आपको देख रहे हो, क्या क्या चीज देख रहे हो, बटन देख रहे हो आप, बटन क्या है, बटन लोगो, बटन देख रहे हो, बटन के साथ आइकन है, आइकन लेफ्ट अलाइन है, वहां पे ऑप्शन देखा होगा आपने, आइकन को डिफाइन करो, आइकन का अलाइनमेंट करो, आइकन कौन सा है, प्लस आइकन, ठीक है, अलाइनमेंट क्या है आइकन का, लेफ्ट, बटन का अलाइनमेंट है राइट, बटन का अलाइनमेंट है लेफ्ट राइट है, ये देख लो बटन है राइट साइड में इसके रिस्पेक्ट में, लेकिन बटन के अंदर जो आइकन है वो है लेफ्ट साइड, ठीक है, ये चीज। और आपको क्या दिखा, बैकग्राउंड कलर क्या है इसका, ब्लैक है, टेक्स्ट कलर है इसका वाइट, और जब होवर कलर, टेक्स्ट होवर कलर है वाइट एंड बैकग्राउंड होवर कलर है इसका रेड। मेजर कंसेप्ट है, कंसेप्ट सेम ही है, यहाँ पे पैडिंग का ध्यान देना, मैंने कंसेप्ट को हर एक चीज क्लियर कर दी है, इन्हीं कंसेप्ट को यूज करना है, सेम फ्रंट एंड देके बैक एंड को डिजाइन करना है, ठीक है, ये कंसेप्ट है। आप इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ये पेज बर्गर शॉप का पेज आपको बना के लाना है, एक न्यू पेज क्रिएट कर लेना, न्यू पेज कैसे करते हैं ये भी देख लो, पेजेस में जाके ऐड न्यू पेज करना है, यहाँ पे जाके आपको कुछ नहीं करना है, कट कर देना है, बर्गर या कुछ भी पेज का नाम दे दो, मैं जैसे बर्गर दे देता हूँ, पेज को कर देता हूँ मैं पब्लिश, पब्लिश के बाद एडिट विद पेज बेकरी, क्योंकि आपको बिल्डर के साथ करना है, जैसे पेज बेकरी में बड़े सारे ऑप्शन देख रहे हो ना, वैसे एक ब्लॉक एडिटर होता है जो कि ये ऑप्शन देता है, लेकिन ब्लॉक एडिटर के बहुत ही कम ऑप्शन होते हैं, एक होता है क्लासिक एडिटर, क्लासिक एडिटर के और भी कम ऑप्शन होते हैं, डब्ल्यू पी पेज बेकरी, एलिमेंटर, अवाडा बिल्डर, डिवाई बिल्डर, ये सारे ऐसे बिल्डर हैं जिन ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, कस्टमाइजेशन हर एक लेवल पे होता है, ठीक है, इसलिए आपको डब्ल्यू पी पेज बेकरी जैसे ये थीम प्रोवाइड कर रही है, यहाँ पे जाना एडिट भी डब्ल्यू पी पेज बेकरी आएगा, अब यहाँ पे बैकहेंड एडिटर पे जाना है, अब यहाँ पे सबसे पहले एलिमेंट्स लेने हैं, मैंने वही बताया था, एलिमेंट में सबसे पहले लेंगे रो को लेंगे, कोई भी अंदर होता है रो, रो को कितने कॉलम से, दो में डिवाइड करना है, रो को तीन में डिवाइड करना, वो अगर एक रो है, रो के अंदर इनर रो लेना हो, फिर दोबारा इसके अंदर ले लेंगे, कॉलम के अंदर
ले लेंगे, उसके बाद इसको दो में डिवाइड करना, दो में हो गया, ठीक है ये चीज़ तो आपको। और इसके बाद एलिमेंट, जैसे हेडिंग का एलिमेंट लेना, लिखा हेडिंग, हेडिंग के एलिमेंट को लिया, हेडिंग के सारे सेटिंग्स की। उसी तरह से इमेज का लेना हो, इमेज का एलिमेंट ले लो, इमेज का एलिमेंट है। बटन लेना हो, बटन का एलिमेंट है। हर एक चीज़ का एलिमेंट है, आपको इन एलिमेंट्स को देखना है। और जब भी आप कर दोगे अपडेट जरूर कर देना, प्रीव्यू में रखोगे सेव नहीं होगा, वो प्रीव्यू ही देख पाओगे आप उसका, अपडेट करोगे वो चीज़ सेव हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ है, ये चीज़ अगली क्लास में फिनिश करके आना। रो के अंदर हर एक ऑप्शंस को देखना है, डिज़ाइन ऑप्शंस को, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, जो मैंने कहा था पिछली क्लास में आपको समझ नहीं आएगा, इस क्लास में आपको समझ आ चुका है, ठीक है। मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर को देखना है कितना होगा, बॉर्डर कलर, इन सबको देखना है, ठीक है। इस क्लास को ओवर करते हैं, कोई और डाउट होंगे तो अगली क्लास में लेंगे या इसको कंटिन्यू कर देंगे आगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।